जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम होने का उपाय। श्री भगवान की प्राप्ति की इच्छा करने वाले पुरुषों को संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम हो, इसके लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए। साधन में विक्षेप, आलस्य, भोग, प्रमाद आदि अनेक विघ्न हैं। उनमें मन की चंचलता अथवा विक्षेप और आलस्य, ये दो प्रधान हैं। किंतु संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम होने पर इन सब का अपने आप ही विनाश हो सकता है। अतः संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम होने के लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है। संसार से वैराग्य होने का उपाय है, संसार को नाशवान, क्षणभंगुर, दुख रूप, घृणित, हानिकर और भयदायक समझना, वैराग्यवान पुरुषों का संग करना, वैराग्य विषयक पुस्तकें पढ़ना और चित्त में वैराग्य की भावना करना, इनसे संसार में वैराग्य हो जाता है। भगवान में प्रेम होने का उपाय, भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम के गुण प्रभाव, तत्व रहस्य की बातों को सुनना, पढ़ना और मनन करना, भगवान में जिनका प्रेम है उन पुरुषों का संग करना, भगवान से सच्चे हृदय से करुणा भाव पूर्वक गदगद कंठ हो स्तुति प्रार्थना करना, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार भगवान के साथ अपना नित्य संबंध समझना, मन से भगवान का दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप और चिंतन करना तथा हर समय निष्काम भाव से भगवान के नाम रूप को स्मरण रखना, ऊपर बतलाई हुई इन सभी बातों पर श्रद्धा विश्वास करके उनको काम में लाने से बहुत शीघ्र भगवान में प्रेम हो सकता है। जब साधक का संसार से वैराग्य और भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है, तब फिर दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन, सांसारिक संकल्प, आलस्य, प्रमाद, भोग इच्छा आदि सब दोषों का नाश होकर उसे भगवान का यथार्थ ज्ञान हो जाता है और उसमें स्वाभाविक ही समता आ जाती है। फिर उत्तम गुण तो उसमें अपने आप ही आ जाते हैं तथा उसके द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं भी उत्तम से उत्तम होने लगती हैं। उसे परम शांति और परम आनंद का अनुभव होता रहता है। इसीलिए ऐसा पुरुष कभी संसार के विषय भोगों को और कुसंग को पाकर भी उनमें नहीं फंसता। अपने दैनिक जीवन में उपयुक्त बातों को किस प्रकार काम में लाया जाए, इसके लिए नीचे लिखी हुई तीन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, जब हम रात्रि में सोने लगें तब उस समय हमें उचित है कि हम भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव को स्मरण करते करते ही शयन करें। इससे रात में प्रायः बुरे स्वप्न भी नहीं आते और हमारा वह शयन काल भी साधन काल के रूप में ही परिणित हो जाता है। दूसरा, दिन के कार्य करते समय यह समझना चाहिए, दिन में कार्य करते समय यह समझना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ भगवान का ही काम कर रहा हूँ और भगवान की आज्ञा से भगवान के लिए कर रहा हूँ, एवं ये जड़ चेतनात्मक सब पदार्थ भगवान के हैं और मैं भी भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, वे सब में व्यापक हैं, इसीलिए सबकी सेवा भगवान की ही सेवा है तथा व्यवहार करते समय स्वार्थ त्याग, संपूर्ण प्राणियों के प्रति हितेशी भावना, उदारता, समता, स्वाभाविक दया, इन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे व्यवहार स्वाभाविक ही
बहुत उच्च कोटि का होने लग जाता है। इससे भी बढ़कर एक भाव यह है कि जो भी क्रिया करें, जो भी कार्य करें, उसे अहंकार और अभिमान से रहित होकर करें और यह समझें कि मेरे द्वारा जो कुछ भी क्रिया होती है वह भगवान ही करवा रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार के भाव से होने वाली क्रिया में कभी दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन की गुंजाइश ही नहीं रहती। यदि उसमें दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन हो तो समझना चाहिए कि क्रिया होने में भगवान का हाथ नहीं है, काम का हाथ है। गीता में अर्जुन के द्वारा यह पूछने पर कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? भगवान ने उत्तर दिया अर्जुन जी का कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तुम इस विषय में वैरी जानो। तीसरे में कहते हैं सेठ जी महाराज कि एकांत में बैठकर तीन साधन बताए सेठ जी ने कि रात में सोने से पहले भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव का स्मरण करें। दूसरा बताया कि दिन में कार्य करते समय यह समझना चाहिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह भगवान का ही काम कर रहे हैं, और अगर हम किसी पाप में प्रवृत्त होते हैं या पाप में लग जाते हैं या जिस क्रिया में दुर्गुण, दुराचार या दुर्व्यसन होता है तो उसमें भगवान का हाथ नहीं होता, उसमें हमारी जो कामनाएं हैं उनका हाथ होता है। अब सेठ जी तीसरा कहते हैं कि एकांत में बैठकर साधन करते समय भी प्रथम मन इंद्रियों को वश में करना चाहिए। मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य ही प्रधान है। भगवान ने गीता जी में कहा है कि हे महाबाहो, निसंदेह मन बहुत चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। मन को वश में कर लेने पर इंद्रियों का वश में होना उसके अंतर्गत ही है। मन वश में होने के बाद श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम और स्वरूप का स्मरण रूप साधन करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में किए बिना साधन होना सुगम नहीं और साधन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि जिनका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। तब तथा भगवान ने आगे सब साधनों में श्रद्धा पूर्वक भगवान के भजन चिंतन रूप भक्ति के साधन को ही श्रेष्ठ बतलाया है। संपूर्ण योगियों में भगवान गीता जी में कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में जो भी श्रद्धावान योगी मुझमें लगे हुए और अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। अथवा एकांत में बैठकर संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर मन से इंद्रियों को वश में करके और संसार से उपराम होकर मन को परमात्मा में लगा देना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति का यह भी एक उत्तम प्रकार है। भगवान ने श्री गीता जी में बतलाया है कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को भी सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो और धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर
उसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें, अर्थात भगवान में ही लगावें। इसलिए संसार के विघ्नों का नाश होकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपयुक्त तीन प्रकार से संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम होने के लिए विशेष कोशिश करनी चाहिए। जय श्री राधे। आज मैंने सुबह सुबह एक हमारी नाम जापक संत पूज्य श्री प्राची बहन, उनका चरित्र डाला है डे वन और डे टू का, जो संक्षिप्त रूप में है। आप सभी साधक लोग जरूर सुनिएगा जो परम पूज्य श्री नरेश भैया जी द्वारा बताया गया है। ये एक संत हुई हैं प्राची बहन, जो एक साल पहले इनसे हमारा संपर्क हुआ और 2020 की बात है लॉकडाउन की, और इन्होंने खूब नाम जपा और इन्हें भगवान के दर्शन होते थे। ये लखनऊ से बैठे बैठे यहाँ गाज़ियाबाद नारदीय भगवत निकुंज के अंदर के सभी साधकों के मन को पढ़ लेती थी और वहीं से बताती थी कि कैसे कैसे भगवान हम सब साधकों के बारे में बता रहे हैं और भगवान इनसे कैसे मिले। ये सब बातें आपको इस चरित्र में सुनने को मिलेंगी। आज भी कलयुग में भगवान मिलते हैं और इन प्राची बहन के लिए भगवान बलिनोकार लेकर के आए, तो आप सभी लोग जरूर सुनिएगा। संक्षिप्त में है, और ज़्यादा अगर उसे डिटेल में सुनना है तो हमारे पूज्य श्री नरेश भैया जी का अपना यूट्यूब चैनल है श्री नरेश भैया जी के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर पूरा विस्तृत चरित्र भी सुन सकते हैं। पूज्य भैया ने उनके चरित्र को पूरे काव्यात्मक रूप में गा दिया है और बताया भी है, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा इस चरित्र को। आप लोगों को बहुत लाभ होगा कि कलयुग में भी नाम जप करने वाले के लिए भगवान आते हैं, और ये एकदम विशेष खास घटना है। ये हम सब यहाँ साधक जो गाज़ियाबाद में रहते हैं, सभी का अपना अनुभव है। प्राची बहन ने हम सबकी बातें कुछ ना कुछ बताई हैं और हमें अनुभव भी कराया है, तो आप ज़रूर एक बार जाइएगा पूज्य श्री नरेश भैया जी के चैनल पे भी, अगर आपको डिटेल में सुनना है। अभी यहाँ इस चैनल पर संक्षिप्त रूप में दिया जा रहा है, क्योंकि प्राची बहन का जन्म तिथि आने वाली है 25 जनवरी को, तो तब तक हम उनका उत्सव मना रहे हैं, तो नित्य प्राची बहन के बारे में संक्षिप्त रूप से बता रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। आपको पता लगेगा कि नाम जापक संत क्या क्या पा सकता है और भगवान को ही पा सकता है, भगवान उससे मिलने आते हैं। जय श्री राधे।